नमस्कार, मास्टर सीरीज में सभी का स्वागत। और रही बात आज की जो है वो कचौड़ी की है। अब कचौड़ी के शौकीन जो लोग हैं वो अलग ही तरीके के लोग होते हैं मेरे जैसे, कि कचौड़ी का नाम लेने के बाद तुरंत मुंह में पानी आता है। हमारे सेगांव में एक अलग टाइप की कचौड़ी, सेगांव की कचौड़ी ऐसे जाना जाता है उसका, और वो शर्मा जी की बड़ी फेमस ऐसे कचौड़ी थी। और मुझे याद है कि हम जब बम्बई जाते थे मम्मी के साथ में, तो बीच में सेगांव आता था और गाड़ी एक 5 मिनट के लिए रुकती थी वहां पे। तो मम्मी हमारी कहती थी, जाओ जल्दी शर्मा जी की कैंटीन से कचौड़ी ले आओ। वो सेगांव की कचौड़ी तरीका ही अलग है भाई साहब, एकदम अलग टाइप का ये है तरीका। तो वो कचौड़ी आप देखें कैसे बनती। सेगांव अब वैसे बड़ा सुपरिचित है। सेगांव गजानन महाराज जी का वहां वास्तव्य था और बहुत बड़ा मंदिर है, और आनंद सागर नाम से एक बहुत बड़ा बगीचा तालाब ऐसे है कि पहले वहां पानी की कमी थी, पर सेगांव संस्थान ने आनंद सागर बनाने के बाद वहां पे जो है सब हरियाली छा गई। आप जरूर एक बार सेगांव जाइए, दर्शन करिए और कचौड़ी खाइए। इसके लिए लेते हैं मैदा तकरीबन 2 कटोरी और 1/4 कटोरी आटा, उसमें डालेंगे तेल। अभी आपने डाला ना कि मैदा है, आटा है, हमने तेल का मोयन डाला, ये सब इकट्ठा करके इसको एक 10 से 15 20 मिनट पहले भिगा के रखेंगे। एक बात का ख्याल रखना कि सेगांव की कचौड़ी में नमक माने ऊपर की जो परत होती उसमें नमक नहीं डालते। ये आटा मैं गूंद रहा हूँ, गूंदते गूंदते आपको एक बात और बता दूं कि कचौड़ी कहने के बाद आप सोचेंगे कि ऐसे फूली हुई कचौड़ी आपको मिलेगी, पर ये फूली हुई नहीं होती, ये कचौड़ी थोड़ी चपटी होती और उसके ऊपर थोड़े बूंदे बूंदे होते। देखिए फर्क देखिए, अभी भिगाते समय पानी का जो प्रमाण है, पानी की जो मात्रा है, तो देखिए 1 किलो यदि हम मैदा भिगाते हैं तो 450 से 500 ml पानी इसमें जाएगा पक्के में। अशा प्रकारची भांडी किंवा कलई केलेली भांडी, तांब्याची भांडी, पितळ्याची भांडी, लोखंडाची भांडी, ही जी सगळ्या ज्या मी वस्तू वापरतो त्या जर तुम्हाला हव्या असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली लिहिलेलं आहे, तुम्हाला काय हवं त्याच्यात इझिली अवेलेबल आहे। इसके लिए जो हरा मसाला बनाना है उसके लिए देखिए हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक के टुकड़े और धनिया, इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो हरा मसाला तो हमने कूट लिया। अब ये जो स्टफिंग होता तो बेसन का नहीं होता, इसमें क्या होता है, हरा बटाना जो है सूखा वाला बटाना तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगा के उसको पका के उसकी पेस्ट मैंने बना के रखी है। ये देखिए मसाला बनाने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन में तेल गर्म होने के बाद राई के बाद जो हरा मसाला हमने बना के रखा है वो थोड़ी सी सौंफ हम डाल देंगे और हल्दी, हींग का, आमचूर का और स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डालेंगे। अब ये सारा मसाला इकट्ठा करके अच्छे से भूनने के बाद जो हरे मटर का हमने पका के रखा है ऐसे ड्राई हो गया, देखिए ये इसमें हम मिलाएंगे। जैसे आपको बताता हूँ इसमें बेसन नहीं पड़ता, ये हरे बटाने का जो हमने बनाया है मिक्सचर वो लगेगा। थोड़ा ये मसाला जैसे हम इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि पूरा इकट्ठा हो जाए, और ये इसको थोड़ी भाप आने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। डीप फ्राई करते समय, तलते समय एक नियम का हम पालन करेंगे कि नॉर्मल जो कचौड़ी होती है वो क्या होता है कि आटा लगा के फिर उसके बीच में लोई भर के उसको बंद करके फिर ऐसे चपटा करके हाथ से दबाते हैं, बीच में उंगली के निशान माने दबा के कटोरी टाइप बनता है, और फिर ये धीमी आंच माने जैसे तेल शुरू किया उसी समय डालते हैं, जैसे जैसे तेल गर्म होता वैसे वैसे कचौड़ी भी गर्म होती है और फूलते रहती। मगर सेगांव कचौड़ी की बात ऐसी नहीं है, तेल पहले से गर्म करते हैं उसके बाद में कचौड़ी इसमें छोड़ते हैं, और तेल गर्म करना है नहीं, बहुत धुएंदार नहीं, नॉर्मल। अब देखो ये लोई लेके हमेशा जैसे कचौड़ी हम भरते हैं वैसे हमने भर लिया, इसकी एक तो इसका गोला बनाकर रख लिया।
एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कई बार शेगांव कचौड़ी खाने गया और मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की इसके अंदर का मसाला जो था तो क्या बेसन तो नहीं था, इतना पक्की बात थी, पर कभी किसी ने कुछ बताया नहीं। तो अभी जो मैं मसाला बता रहा हूँ तो ये मेरी इतने दिन की जो मेहनत है, इस क्षेत्र में जो जो मैं काम किया उसका अनुभव, उस अनुभव के द्वारा मैंने सोचा कि ये मसाला इस टाइप का होगा। अब हमेशा की कचौड़ी अपनी मैंने बताया जब की कचौड़ी बना के डाल देते, पर इस कचौड़ी को ऐसे बेलते हैं, देखो इस प्रकार आप शेगांव की कचौड़ी बनाइए और बनाने के बाद इसके साथ हरी मिर्ची, बस हो गया। वो शेगांव की कचौड़ी का नाम ही काफी है, बहुत बढ़िया लगेगी। और खाने के बाद हमको बताइए टेस्ट कैसी थी, और लाइक करें, शेयर करें। क्या ये मास्टर रेसिपीज देखते रहिए मास्टर रेसिपीज। और मैं तो इतना शौकीन हूं कि जब मुझे पता चला कि भैया मेरे हाथ की कचौड़ी अच्छी बनती है तो मैं क्या करता था कि उसका मसाला जो है काफी सारा बना के रखता था। और जैसे घर में तो मनाई थी कि भैया इतने बार कचौड़ी नहीं बनाना क्योंकि तेल वेल बहुत ज्यादा है उसमें, हेवी होती है। तो फिर किसी को पूछना भैया मेरे हाथ की कचौड़ी खाओगे, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो कहते थे हाँ भैया, तो ठीक है बोला इतनी तैयारी रखो, बाकी मसाला मैं ले आता हूँ। लोग भी खुशी खुशी तैयार हो जाते थे और बिल्कुल हमें पूरी सेवा मिलती थी और हम कचौड़ी बनाते थे। तो ऐसे धीरे 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 कचौड़ी में हम माहिर हो गए। कचौड़ी अलग अलग टाइप की होती है, पहले नाम गिन लो कचौड़ी कहाँ कहाँ कैसे बनती है। अब अपने आई देखो कि कई लोग कचौड़ी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कचौरी, और बंगाल में जाओ कलकत्ता में तो एक कचौड़ी बनती है जिसका नाम है राधा वल्लभी, बहुत ही बढ़िया नाम है। दूसरा एक नाम है कोराई सुतीर कचौड़ी जो हरे कलर की होती है, इसके स्नैप्स में आपको बताता हूँ तो वो देख लो। और एक बेड़मी बनती है तो वो अलग टाइप की, बेड़मी पूड़ी भी कहते हैं और उसको भी कचौड़ी के नाम से जाना जाता है, यूपी में कई कई जगहों मैंने देखा है। और एक शादी में हम गए थे जौनपुर में, तो बोले नाश्ता कर लो, बोला क्या है ना, अरे कचौड़ी है बोले, और कचौड़ी और आलू का झोल। हम गए देखे तो कचौड़ी क्या, पूड़ी थी, थोड़ा मसाला लगा हुआ था, बट बोले इसको हम कचौड़ी कहते। तो ऐसे कचौड़ी के नाम है हमारे सेगांव में, एक अलग टाइप की कचौड़ी सेगांव की कचौड़ी ऐसे जाना जाता है उसका।